searching, I'll be lurking, I'ma hurt them. And all these bridges that I'm building, I'ma burn them. आज के मैच में मेरा कितना प्लस होता है मैंने पहले इस वजह से दिखा दिया, क्योंकि काफी सारे बंदे बोलते हैं कि भाई आप प्लस दिखाया करो, प्लस दिखाया करो। लो भाई देख लो कितना प्लस हुआ है, कितने किल पे 12 किल किए थे, चिकन डिनर किया यहाँ पर मेरे 26 प्लस हुए। एंड उसके बाद अब गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। गेम प्ले में मैंने क्या किया, कैसे किल किए, क्राउन लॉबी में क्राउन 4 पे मैं पहुंच चुका हूं। अभी मैं डेली का एक दो मैच ही खेल रहा हूं, ज्यादा मैच नहीं खेल रहा। कभी कभी मैं ओल्ड गेम प्ले भी अपलोड करने की सोच रहा हूं, जो मेरे पास रिकॉर्ड पड़े हैं, क्योंकि वो भी पड़े हुए हैं, उसमें भी मैंने अच्छा खेला है, पुश तो किया ही है। अभी कम खेल रहा हूँ इस वजह से, शायद अगर गेम प्ले ना हो तो मैं एक दो दिन चार दिन पुराने गेम प्ले भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ कैसी लोबी कैसे खेलता हूँ। अब यहाँ पर मैं उतरता हूँ, ओपन में उतरता हूँ गाड़ी के पास, एंड यहाँ पर देखता हूँ मैं दो बंदे गिरे हैं, एंड एक बंदा राइट साइड गिरा था, एक बंदा लेफ्ट साइड गिरा था, एक बीच में गिरा था, टोटल तीन गिरे थे। अब यहाँ पर मुझे पिस्टल मिलती है कट्टा, वो भी तो यहाँ पर मैं फायर करने की कोशिश करता हूँ बंदे पे, और ये बंदा भाई कैसे बचता है देखो, मेरी गाड़ी लेके भाग रहा है, एक हेड पड़ा इसे कट्टे का, फिर भी भाई देख रहे हो किस्मत, ना उसके पास हेलमेट ना उसके पास वेस्ट, फिर भी बच गया। मतलब भाई हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, मुझे समझ नहीं आती भाई। हमें तो भाई हेड पे ना पड़े, हमें तो भाई चेस्ट पे पड़ जाए फिर भी हम मर जाते। अब यहाँ से मुझे UMP का शॉट आया, पहले मैं डर गया क्योंकि मेरे पास गन नहीं। अब मैं यही दुआ कर रहा था भगवान से कि भाई क्राउन लॉबी है और अभी ना मरूं, 92 पे अगर मरूंगा तो भाई माइनस, फिर पता चलता है भाई बोट है। फिर मैं थोड़ा सा सांस लेता हूं भाई, इससे UMP मिलती है, M4 मिलती है, और यहां से हम निकलते हैं, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि बहुत तगड़ा माइनस होगा अगर मैं अभी मरूंगा। और मैंने वैसे ही रिस्क ले लिया था दो बंदे को गिरते हुए देख के, कि मैंने सोचा चलो किल निकाल लेते हैं, और भाई वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी। और यहाँ से मुझे सबसे पहले निकलना था, तो यहाँ से निकलते हैं हम। अब यहाँ पर आप सीन देखना क्या होता है, सामने गाड़ी में उसके पीछे लग गया, ठीक है, मेरे पास भी गन है, उसके पास भी गन है, उसके पास मेरे से अच्छी अच्छी गन है, उसके पास M4 है, साथ में AKM है, और मेरे पास वेस्ट नहीं है, फिर भी मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, क्योंकि वो भाग रहा है ना, जो भाग रहा है मैंने बोला उसको और भगाओ। इसी बहाने क्या ना, अगर फाइट नहीं भी लेना चाहते आप उसे भगाओ, भगाते भगाते आप निकल जाओ। अब ये बंदा पहले मेरे पे स्प्रे करता है, ठीक है, स्प्रे करता है, मैं नहीं रोकता, मैं सोचता हूँ कि इसकी गोलियां खत्म होने देता हूँ, पहले इससे अच्छे से स्प्रे करवाता हूँ मैं। फिर ये बंदा हॉर्न मारने लग गया था, मतलब टीम अप करना चाहता था ये, पहले तूने स्प्रे क्यों किया, अगर तुझे टीम अप करना था तो भाई पहले टीम अप करता। अब देखो इसका क्या हाल करता हूँ मैं, मतलब भाई तुमने टीम अप करना है और तुम भाई पहले स्प्रे कर रहे हो, पहले फायर कर रहे हो, मैं नहीं मरा तो तुम टीम अप करना चाहते हो, ये सही है। अच्छा इसके पास M4 की गोलियां नहीं थी शायद, इस वजह से इसने मतलब फायर करके रोक लिया, क्योंकि इसे रीलोड करना था, जैसे ही रीलोड करने के लिए उतरता मैं मार देता है ना, तो इस वजह से ये मेरे साथ टीम अप करना चाहता था, मुझे बाद में पता चला। अब यहाँ पर क्या सीन होता है, यहाँ पर मैं इसको मार देता हूँ, 2 किल हो जाते हैं। अब मैं इसको मारना नहीं चाहता था, मुझे बुरा भी बहुत लग रहा था, क्योंकि भाई वो बंदा फायर नहीं कर रहा था, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था है ना, बट भाई मैं टीम अप करता, अगर वो मुझे मार देता तो यहाँ पर मेरा बहुत गंदा वाला माइनस होता, इस वजह से मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर वो सब्सक्राइबर होता, जंप करने लग गया था, बात अलग थी, बट ये मुझे जानता नहीं था, और ये भाई पहले मेरे पे फायर करता है उसके बाद ऐसी हरकतें करता है, तो भाई उसको तो मारना बनता है। आप बताओ मैंने सही किया या गलत किया, खुद बताओ आप। अब यहाँ पर लूट वगैरह करते हैं थोड़ी सी, और यहाँ से भी निकलते हैं। अब लूट वगैरह करने के बाद मैं मिल्टा की साइड आता हूँ, क्योंकि मिल्टा की साइड ही मैं उतरा था, एंड यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे उतरे थे मेरे साथ, बट मैं यहाँ से भाग गया था। अब मेरे पास
अच्छी खासी लूट थी, तो मैंने सोचा चलो जाके आते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारा उधर, कोई मिलता है या नहीं। तभी मुझे यहाँ पर स्प्रे आता है और भाई मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पर बंदे हैं अभी भी। तो यहाँ पर मैं गाड़ी स्लो करता हूँ एंड सोचता हूँ फाइट लूँ, तभी पीछे से बग्गी आ जाती है। देखो अब इस बंदे को तो हमने आसानी से मार दिया, बट जिसने मेरे पे फायर किया था अब उसको देखो कैसे मारते हैं। वो बंदा मुझे काफ़ी चालाक लग रहा था, मैं उससे फाइट नहीं ले रहा था, मैं बस एक उस मौके का वेट कर रहा था कि मैं इसे मार सकूं। अब देखो मैं इसे भगाता कितना हूँ। उसके बाद मारूंगा। देखो यहाँ पर वो बंदा काफी चुल मची हुई थी उसको मारने की, मतलब फाइट लेने की काफी चुल थी, और मुझे बिल्कुल भी चुल नहीं थी भाई, मुझे माइनस नहीं करवाना था। इस वजह से मैंने बोला भाई राम राम से खेलो, छुप छुप के खेलो, बट प्लस करवाओ। अब यहाँ पर टोटल हो गए थे हमारे 4 किल, वो भी क्राउन लॉबी में। और 4 किल होने के बाद मेरा यही होता है कि भाई मैं सेफ खेलूं और एंड तक सर्वाइव करूं, टॉप 10 में जाके फाइट लूं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले लूट वगैरह करता हूँ, यहाँ पर मुझे फ्लेयर मिल जाती है और मैं यहाँ से निकलता हूँ। सोचता हूँ एक अच्छी सी जगह देख के फ्लेयर चलाते हैं, तो यहाँ पर लूट वगैरह करते हैं और निकलते हैं। अब मैं यहाँ से निकल ही रहा था तभी भाई मुझे दिख जाती है फ्लेयर, और मैं सोचता हूँ कि भाई अपनी फ्लेयर चलाने से पहले इसकी क्यों ना लूट ली जाए। होता है ना लालच, अगर बंदा सामने आ जाता है, बंदा कितना भी सोचे भाई मैं तो कॉन्कर पुश कर रहा हूँ, भाई नहीं फाइट लेनी, बट जब बंदा दिख जाता है तो बंदे से रहा नहीं जाता। अब यहाँ पर ओपन में एक बंदा जा रहा था फ्लेयर की साइड उसे लूटने के लिए, और देखो ये कैसे मरता है। ये मुझे अच्छा खासा प्लेयर लग रहा था, इसके पास जो आउटफिट थी वो AKM के साथ आई थी स्पिन के अंदर, और ये बंदा यहाँ पर काफ़ी गंदी मौत मरता है, मतलब भाई गन ही निकालने वाला था तभी वो मर गया। अब यहाँ पर क्या सीन होता है, मुझे लगता है फ्लेयर इसने चलाई थी, क्योंकि देखो नीचे फ्लेयर गिरी है, धुआं निकल रहा है, और काफ़ी नज़दीक मैंने बंदे को अभी किल किया। मुझे मतलब कन्फ्यूज़न थी कि भाई मैंने फ्लेयर वाले को मारा या नहीं मारा, तो मैं क्या करता हूँ ना यहाँ पर मैं गाड़ी घुमाता हूँ थोड़ी देर के लिए फ्लेयर के आसपास, और तभी मुझे वॉच टावर से साउंड आता है कि भाई बंदा है उसके अंदर, और भाई मैं समझ जाता हूँ कि भाई जिसने फ्लेयर चलाई है अभी वो जिंदा है और इसे मारना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर देखो इसे कैसे मारते हैं। सबसे पहले मैं पिन खींचता हूँ, यहाँ पर देखना मेरी ट्रिक देखना, मैं हर बार आपको बोलता हूँ पिन खींचो तो खिड़की की तरफ देखो, जैसे वो कूदे कैंसिल करके गन निकाल के मार दो। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं पिन खींचता हूँ कैंसिल करता हूँ, उसे लगता है कि नेड़ मैंने फेंक दिया, ना वो कूदता है ना बाहर आता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये बंदा ढीट है, नहीं आएगा नीचे। फिर मैं दोबारा से पिन खींचता हूँ, और पहली बार मैं रिस्क नहीं लेना फेंकने का, देखो मर गया ना, ईजी। रिस्क लो ही मत भाई, सोलो खेल रहे हो तो बिल्कुल भी रिस्क मत लो, अगर डुओ खेल रहे हो तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो क्योंकि आपके साथ एक टीममेट होगा ना। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसकी फ्लेयर लूटता हूँ और यहाँ से भी निकलते हैं। अब यहाँ पर मैं स्कोड हाउस के अंदर आता हूँ और अपनी फ्लेयर मंगाता हूँ। फ्लेयर मंगाने के बाद मैं लेट जाता हूँ, आराम से लूटने नहीं जाता, कभी भी मैं फ्लेयर मंगाता हूँ तो जब मुझे वो जगह छोड़नी है तभी मैं वहाँ से छोड़ के निकलता हूँ, तभी लूटता हूँ। अब यहाँ पर क्या सीन होता है, मैं फ्लेयर चला के लेट जाता हूँ और देखता हूँ कोई ना कोई बंदा तो जरूर आएगा, क्योंकि बंदे आते हैं, जैसे मैं फ्लेयर पे गया था ना वैसे ही बंदे मेरे पास भी आएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, पीछे से मुझे साउंड आता है कि कोई आया। अब मैं देखता हूँ कि कहाँ आया, तो मुझे पता चलता है भाई ओपन में बंदे ने अपनी बाइक रोकी एंड उसके बाद वो मेरी तरफ देखने आया कि भाई कौन फ्लेयर लूट रहा है। अब मेरी फ्लेयर मेरे घर के पीछे ही गिरी हुई थी, अब वो आपको दिखेगी नहीं क्योंकि उसकी तरफ मैं बाद में देखता हूँ। अब वो बंदा फ्लेयर की तरफ देख रहा है मुझे, उसको नहीं पता कि मैं फ्लेयर लूट नहीं रहा हूँ, ना ही मैं लूटने जाऊँगा। अब वो बंदा लेट लेट के थोड़ी थोड़ी आगे आता है ताकि अगर मैं फ्लेयर लूटने जाऊँ या फिर लूट के निकलूँ तो वो मुझे मार सके। बट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लेट के वेट करता हूँ एक सही टाइम का जब मैं उस पर स्प्रे करके उसे मार सकूँ। अब यही सही टाइम था। यहाँ पर मैंने इसे टैप टैप करके इजी मारा, और सही मौके का वेट करो, जब आपको सही मौका लगे मार दो। अब यहाँ पर क्या सीन होता है, यहाँ पर एक और बंदा आएगा अभी देखना। अब यहाँ पर मैं लेटा हुआ था एंड मैंने BRDM भी मंगा ली थी, मैंने स्प्रे कर दिया था, मतलब फ्लेयर चला दी थी। अब यहाँ पर एक बंदा भाग रहा है जोन की तरफ, अब मुझे पता ही नहीं मेरी ग्रोजा के अंदर कोई स्कोप नहीं लगा हुआ भाई, यहाँ पर तो मैं हगते हगते बचा, क्योंकि ग्रोजा को बिना स्कोप के चलाना बहुत मुश्किल है। बट यहाँ पर हम किसी भी तरीके से उस बंदे को मार देते, उसे नहीं पता था मैं इधर हूँ, बट वो जोन की तरफ निकल रहा था और यहाँ से मर जाता है। अब यहाँ पर मुझे भी नहीं पता था वो आया, एकदम मेरे नज़दीक पहुँच गया तब मुझे साउंड आया कि भाई बंदा आया है। अब यहाँ पर जोन आने का वेट करते हैं और देखो फिर मैं कब ड्रॉप लूटता हूँ और कब मैं जोन में निकलता हूँ। देखो वहाँ पर मेरी BRDM भी आ गई पीछे,
एक मैंने मंगाई थी, मेरे पास दो फ्लेयर थी, एक से मैंने बीआरडीएम मंगाई, एक से मैंने ड्रॉप मंगाया। ड्रॉप लूटेंगे बट ड्रॉप के अंदर से मैं कुछ भी नहीं उठाता हूँ। अब यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि आसपास देखता हूँ एंड यहाँ पर देखो मेरी ड्रॉप भी पड़ा है, यहाँ पर मेरा फ्लेयर भी पड़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं करता हूँ स्मोक एंड स्मोक करने के बाद कवर में चला जाता हूँ। स्मोक करने के बाद ही लूटो, ठीक है ना, रिस्क लो ही मत। अब यहाँ पर 14 बंदे बचे थे, वैसे भी मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था। अब यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, ड्रॉप के अंदर देखता हूँ क्या क्या है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ भाई ढंग का कुछ भी नहीं है, ना मुझे AWM चाहिए ना मेरे को OG चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ BRDM के अंदर जाता हूँ एंड BRDM की वजह से ही मेरा चिकन डिनर होता है। और BRDM अगर मंगा सकते हो ना तो BRDM ही मंगाओ, क्योंकि बहुत फ़ायदा होता है इसका। अभी देखना आप फ़ायदा क्या होता है। एक तो आपके बंदे जो सामने होंगे ना वो आप पे स्प्रे नहीं करेंगे, बंदे के ऊपर जाके खड़े हो जाओगे ना फिर भी आप पे स्प्रे नहीं करेंगे वो। देखना अभी क्या सीन होता है। अब यहाँ पर मैं जोन में जा रहा था और मेरी आदत है मैं आसपास देखते देखते जाता हूँ, तभी मुझे छत पे एक बंदा दिखता है। और भाई वो छत पे बंदा जैसे ही मैं उसको देखता हूँ और उतर के स्प्रे करने की कोशिश करता हूँ तभी तक वो नीचे कूद जाता है। अब मैं क्या कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जाके घुस के मारूँ। अब यहाँ पर घुस के मारने की क्या वजह थी, इतने छोटे जोन में जोन के बाहर फाइट लेनी नहीं चाहिए पहली मैं आपको बता दूं, बट मेरे पास BRDM थी और अगर मैं उसकी गाड़ी के पास जाके अपनी BRDM रोक देता ना तो वो मेरे पे वैसे ही नहीं स्प्रे करता। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, सोचता हूँ कि देखूँ कहाँ पर है बंदा, तभी मुझे पता चलता है कि वो अपनी गाड़ी के पीछे है। यहाँ पर देखो ये रहा। अब यहाँ पर देखो वो मेरे पे स्प्रे नहीं कर रहा क्योंकि उसको पता है जैसे ही उसका रीलोड होगा मैं उसको उतर के मार दूंगा। और हर बार ऐसा ही होता है। अब मैं इसकी गाड़ी पलटाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो अब मैं उतरा और इजी मारा भाई। BRDM के फायदे देख रहे हो, कोई स्प्रे ही नहीं करता भाई, कोई फाइट लेनी ही नहीं चाहता, उसको पता है भाई क्या होगा उसके साथ। अब यहाँ पर BRDM के अंदर ही मैं ड्रिंक वगैरह लगाता हूँ, रीलोड करता हूँ और इधर से निकलते हैं। अब यहाँ पर मैं जोन में जा ही रहा था तभी मुझे फायर का साउंड आता है और मैं बोलता हूँ कि चलो ट्राई कर लेते, क्या पता एक आधा किल मिल जाए, क्योंकि मैं तो BRDM में हूँ। अगर वो बंदा स्प्रे करेगा भी फिर भी मैं जोन में निकल ही जाऊँगा किसी ना किसी तरीके। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मुझे पता नहीं होता बंदा कहाँ पर है, बस मुझे इतना पता होता है कि भाई यहाँ पर स्प्रे हुआ था। अब मैं यहाँ आता हूँ, BRDM को स्लो कर लेता हूँ, बिल्कुल स्लो, और रोक लेता हूँ एंड फिर आगे पीछे करने लग जाता हूँ ताकि कोई स्प्रे भी करे तो एकदम से भगा तो पाऊँ, क्योंकि ये रेस पकड़ने में थोड़ी टाइम लगाता है ना, भागने में थोड़ा टाइम लगाता है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इस घर में बंदा है, जो पीछे वाला ब्लू कलर का घर है, तो मैं समझता हूँ कि इस वाले में बंदा होगा। अब यहाँ पर होता क्या है, देखो ये खड़ा ओपन में बंदा और इतना लैग हो रहा है, देखो कैसे मरता है, ये लैग की वजह से ही मर जाता है भाई बंदा। अब मुझे लगता है कि यही बंदा था और मैं यहाँ से निकलता हूँ। अब यहाँ पर मैं जैसे ही निकलने वाला था तभी मुझे पता चलता है कि भाई यहाँ पर एक और बंदा है। अब ये जो ब्लू वाला घर है इसी में से मुझे साउंड आया था, मैं सोचता हूँ चलो यार इससे भी फाइट ले ही लेते हैं क्योंकि अच्छे खासे किल हो गए हैं और इस बंदे को जोन में तो जाना ही है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसके घर के बाहर जाता हूँ और जैसे ही मैं इसके घर के बाहर आता हूँ मुझे पता चलता है भाई इसकी गाड़ी खड़ी है। तो यहाँ पर देखो इसकी गाड़ी के साथ मैं क्या करता हूँ, मैं खुद नहीं मार पाता तो मैं इसको आने भी नहीं देता जोन में। देखो क्या करता हूँ, मेरा दिमाग देखो, एक टायर फोड़ा अंदर घुस गया। अब वो बंदा पैनिक होके मतलब मोली मेरे ऊपर करना चाहता था और अपने ऊपर ही कर लेता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ, मैं सोचता चलो नेट करते हैं, दूर खड़े बंदे मुझे मार सकते थे इस वजह से मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, फटाफट से नेट करता हूँ एंड यहाँ से निकलता हूँ। देखो मैं हिल हिल के नेट कर रहा हूँ, एक ही जगह पर दो नेट करता हूँ, उसके बाद मैं BRDM में बैठता हूँ एंड फिर से पीछे आता हूँ एंड इसकी जो गाड़ी है उसके बाकी के दो टायर भी फोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने टायर फोड़ दिए, पीछे से जोन आ गया। अब मैं सोचता हूँ कि किल छोड़ो यहाँ से निकलो, ये तो मर ही जाएगा। अब उस बंदे की कोशिश देखो, BRDM फोड़ने की पूरी पूरी कोशिश की उसने बट वो फोड़ नहीं पाया। BRDM का यही फायदा है भाई। अब यहाँ पर देखना मेरे हाथ से कितने किल जाएंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं आया, पीछे से आई गाड़ी, यहाँ पर टक्कर मारी इसको और इसकी गाड़ी पे मैं उतर के स्प्रे करूँगा। बंदा जोन से मर गया, ठीक है। मैं अपनी BRDM में बैठूँगा, जोन के अंदर जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं रोकूँगा BRDM को एंड BRDM के अंदर ही रीलोड करता हूँ और हेल्थ लगाता हूँ। और पीछे से एक और बंदा आया, एक सेकंड का फ़र्क था, वो भी मर गया, दो किल गए हमारे। अब यहाँ पर बंदा हमारी BRDM फोड़ने लगता है। अब यहाँ पर मैं BRDM से उतरता हूँ एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर स्मोक करता हूँ। स्मोक करने के बाद सबसे पहले मैं हील करता हूँ एंड उसके बाद इस बंदे को मारते हैं।
अब हील करने के बाद मुझे पता था बंदा कहाँ पर है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले स्कोप ऑन करके देखता हूँ, स्मोक के अंदर से स्कोप ऑन करके देखो पीक करके, तो क्या होता है ना कि उस बंदे को हल्का सा दिखेगा, बट जैसे वो स्प्रे करने लगेगा आप कवर में आ सकते हो, इतना तो हो जाएगा। अब यहाँ पर बंदा दिख गया, फिनिश। अब इस बंदे को मारने के बाद मैं बिल्कुल मतलब रिस्क लेना ही नहीं चाहता था, तो यहाँ पर मैं भागते भागते थोड़ा आगे आता हूँ और स्मोक करता हूँ, और स्मोक कर करके मैं जोन में जाता हूँ। अब यहाँ पर से मैं सारा पार्ट कट कर दूंगा, क्योंकि वो जो बंदा था वो मुझे कहाँ पर जाके मिलता है वो देखो आप। मेरे पास जितने स्मोक थे सारे कर करके मैं आगे आया इस शैक के अंदर, और भाई कितनी पीछे से कितनी आगे आया हूँ, और मैं चारों तरफ देखता हूँ बंदा कहाँ पर है, मुझे नहीं दिखता। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे जोन में जाना था, 10 सेकंड बचे थे। अब मैं इस वाले घर के पास आता हूँ, जो छोटा सा घर है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, तो मैं समझ जाता हूँ बंदा अंदर हो सकता है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है। अब यहाँ पर भाई क्या ही बचाऊँ मैं, क्या ही बचाऊँ, और भाई यहाँ पर इजी चिकन डिनर। और भाई अगर आपको आज का गेम प्ले अच्छा लगा है, आज का गेम प्ले बहुत बड़ा गेम प्ले होगा, क्योंकि भाई क्राउन लोबी थी और अच्छी लोबी थी, हार्ड लोबी थी, इस वाले गेम प्ले में काफ़ी सारे सीन हुए, जो भी हुआ सब मैंने आपको दिखाया, कितना प्लस हुआ आप खुद देख लो। और इस वाले में मैंने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की थी, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे बोलते हैं भाई प्लस दिखाओ प्लस दिखाओ प्लस दिखाओ, भाई क्या होता है ना मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, इस वजह से पंगा पड़ जाता है, इसलिए मैं प्लस दिखा नहीं पाता, पर मैं कोशिश करूँगा कि रिकॉर्डिंग बंद ना करूँ आगे से, है ना, और आपको प्लस दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।